दोस्तों, रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना खाते समय कोई भी व्यक्ति अपना 1 से 1.5 घंटे तक का तो समय बिता ही देता है, और ऐसे में वह खाना खाने की क्वालिटी के साथ उस रेस्टोरेंट की बनावट और थीम से भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसलिए अपने कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ाने और अपने रेस्टोरेंट को दूसरों से अलग दिखाने के लिए हमारे भारत देश में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और अनोखे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और कभी कभी आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। उसमें से पहला है नेचर्स टॉयलेट कैफे अहमदाबाद। दोस्तों, यदि किसने कैफे के नाम के साथ टॉयलेट शब्द जुड़ा हुआ तो देखा तो इसको थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन दोस्तों अहमदाबाद शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो नेचुरल टॉयलेट कैफे की थीम पर चलता है। यानी दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में खाना खाते समय कुर्सी या सोफे पर नहीं बल्कि टॉयलेट सीट पर बैठाया जाता है। ये रेस्टोरेंट एकदम टॉयलेट म्यूजियम की तरह दिखता है। इतना अजीब और अनोखा होने के बावजूद भी दोस्तों, ये अहमदाबाद का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है जिसे वर्ष 1950 में जयेश पटेल द्वारा बनाया गया था, जिसे बेबी टॉयलेट के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को लुभाने के लिए इस होटल के पास में एक टॉयलेट गार्डन भी बनाया गया है। इस गार्डन में 1950 से लेकर भारत में अब तक अलग अलग उपयोग किए गए हैं टॉयलेट्स का यह संग्रह है। आपको बता दें कि यह रेस्टोरेंट खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो खाना खाते वक्त कुछ अलग फीलिंग लेना चाहते हो। उसी तरह हमारा दूसरा रेस्टोरेंट है टेस्ट ऑफ डार्कनेस। रेस्टोरेंट बहुत खास है दोस्तों। हैदराबाद का यह रेस्टोरेंट खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें अंधेरा काफी ज्यादा पसंद है। बता दें कि इस रेस्टोरेंट में आप अपने मनपसंद खाने का स्वाद ले पाएंगे, लेकिन खाने को आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस्टोरेंट में रोशनी ना के बराबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रेस्टोरेंट के अंदर जाने वाले सभी लोगों को अंधेरे में खाना खाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। साथ में अंदर आपको अपने दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। ये रेस्टोरेंट बिजली बचाने के लिए लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गया है। लोगों को इस रेस्टोरेंट से लौटने के बाद अब अपनी आंखों का सही कीमत का अंदाजा लगता है। दोस्तों, अगर आप कभी हैदराबाद जाए तो इस खास होटल में बैठकर एक बार जरूर खाना खाइएगा। वैसा ही हमारा तीसरा रेस्टोरेंट है न्यू लकी रेस्टोरेंट अहमदाबाद। भारत के प्रमुख अजीबो गरीब रेस्टोरेंट में से न्यू लकी रेस्टोरेंट सबसे अजीब और अनोखा रेस्टोरेंट है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। आपको बता दें कि न्यू लकी रेस्टोरेंट एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। जरा सोचिए, कोई आपसे कहे कि कब्रिस्तान में बैठ के चाय पीते हैं तो आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु न्यू लकी रेस्टोरेंट कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और आज भी होटल में चाय के टेबल्स के पास ही कब्र मौजूद रहती है। बता दें कि न्यू लकी रेस्टोरेंट का निर्माण लगभग 50 साल पहले कृष्णन कुट्टी ने किया था। कृष्णन कुट्टी की सोच कुछ अलग है। उनका मानना है कि कब्रें उनके लिए गुड लक चार्म है और इसी सोच के चलते उन्होंने अपना रेस्टोरेंट कब्रिस्तान के ऊपर बनाया है। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट लगभग 50 साल पुराना है और कमजोर दिल वाले लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। वैसे ये कब्रों के बीच की चाय पीना बहुत साहसी लोगों का काम है। उसी तरह हमारा चौथा रेस्टोरेंट है कैदी किचन चेन्नई। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि यार जेल में खाना खाने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा, तो दोस्तों ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि चेन्नई में स्थित कैदी किचन आपको जेल के अंदर खाना खाने का अनुभव कराने में मदद करेगा। आपको इस रेस्टोरेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। चेन्नई में स्थित इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह एक जेल के रूप में डिजाइन किया गया है। कैदी किचन रेस्टोरेंट में कर्मचारी जेल के समान कपड़े पहनते हैं। यहाँ के मैनेजर और ऑर्डर लेने वाले जेलर की पोशाक में रहते हैं और वेटर कैदियों की ड्रेस पहनकर ही खाना सर्व करते हैं। कैदी किचन रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है और यहाँ का माहौल भी बिल्कुल प्राकृतिक लगता है। उसी तरह हमारा पांचवा और आखिरी रेस्टोरेंट है सिल्वर मेट्रो बैंगलोर। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो ट्रेन के सफर का लुत्फ तो उठाया ही होगा, लेकिन अगर आपको ट्रेन में लंच और डिनर का लुत्फ तो उठाना है तो चले आइए बैंगलोर में स्थित सिल्वर मेट्रो रेस्टोरेंट में, जो बिल्कुल ट्रेन की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्रेन में पाई जाने वाली सभी चीजें मौजूद है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेन में आपको खाना अच्छा नहीं मिलता होगा, पर इस होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। बिल्कुल ट्रेन की तरह डिजाइन किए गए इस रेस्टोरेंट में खाना खाने का अपना अलग ही मजा है।
यहाँ आपको कुर्सी और टेबल से लेकर सभी चीजें मेट्रो ट्रेन के जैसे दिखाई देगी। यहाँ आने के बाद आप अलग ही अनुभव को पा सकेंगे। इत्रो तो यह थे भारत के पांच सबसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे अजीब रेस्टोरेंट कौन सा लगा है हमें कमेंट के माध्यम में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।